हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन माइंड ब्लोइंग फैक्ट वेलकम्स यू। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी टीएस गरेवाल चैप्टर फर्स्ट एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 32, 33 एंड 34। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 हमसे कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अ सगुना स्पोर्ट्स क्लब, यानी नीचे दी गई इन्फॉर्मेशन एक सगुना स्पोर्ट्स क्लब की है। शो द स्पोर्ट्स मटेरियल आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। यानी स्पोर्ट्स मटेरियल के आइटम की अमाउंट हमें दिखानी है जो कि कंज्यूम हुई है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जिनका ईयर खत्म 31 मार्च 2021 में। एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 एंड 31 मार्च 2021। और हमें बैलेंस शीट दिखानी है, लेकिन बैलेंस शीट हमें दो सालों की दिखानी है। वो पहला जो वो साल है जो ईयर खत्म हो रहा था 31 मार्च 2020 को, और दूसरा 31 मार्च 2021 के लिए। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हम लोग सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, ये बना लिया मैंने फॉर्मेट। सबसे पहले हमें लिखा है नेम ऑफ क्लब, सगुना क्लब जो नाम था, उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, उसके बाद डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। मैंने एक क्रेडिटर्स अकाउंट भी बना लिया है क्योंकि हमें क्रेडिटर्स निकालने पड़ेंगे कि पूरे साल में हमारे कितने क्रेडिटर्स थे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 31 मार्च 2021 इज 6200 एंड ऑन 31 मार्च 2021 इज 4800। यानी ये जो 6200 के अमाउंट का स्पोर्ट्स मटेरियल हमें दिया हुआ है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। और जो 31 मार्च 2021 को दिया है ये 4800 का, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। जो 31 मार्च 2020 को दिया है वो अगले दिन कैरी फॉरवर्ड होगा 1 अप्रैल को, और ये हमारा ओपनिंग बन जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस को हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि ओपनिंग बैलेंस हमारे लिए एसेट है और एसेट हमेशा डेबिट साइड में आता है। तो आइए इसे शो कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6200 की अमाउंट। इसके बाद हम लोग लिखेंगे हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो कि था 4800 का, इसे हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये मैंने लिख दिया बाय बैलेंस करेक्ट डाउन 4800। इसके बाद हमें दिया हुआ है क्रेडिट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 9800 ऑन 31 मार्च 2020 एंड ऑन 31 मार्च 2021 इज 7200। यानी 31 मार्च 2020 को हमारे 9800 के थे, यानी 31 मार्च था, तो अगले ही दिन 1 अप्रैल होगा और 1 अप्रैल 2020 को ये हमारे ओपनिंग क्रेडिट्स बन जाएंगे। तो ओपनिंग क्रेडिट्स हमेशा हमारे क्रेडिट साइड में आते हैं, तो इसे हम लोग क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। ये देखिए मैंने क्रेडिट्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में मैंने बाय बैलेंस करेक्ट डाउन के नाम से 9800 का हमारा ओपनिंग जो क्रेडिटर्स थे उसे शो कर दिया। इसके बाद लिखा है क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 31 मार्च 2021 इज 7200। यानी 31 मार्च 2021 जब हमारा करंट ईयर खत्म हो रहा था, तो हमारे पास क्रेडिटर थे 7200 के लिए। यानी हमारे करंट ईयर के क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं 7200 के, तो इसे हम लोग डेबिट साइड में शो करेंगे। ये देखिए मैंने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7200। इसके बाद लिखा है एडवांस टू सप्लायर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल इज 11000 ऑन 31 मार्च 2020। यानी 31 मार्च 2020 को हमने एडवांस में पेमेंट किया है स्पोर्ट्स मटेरियल की सप्लाई के लिए, 31 मार्च 2020 को की। यानी अगले दिन 1 अप्रैल हो जाएगा और 1 अप्रैल के हिसाब से ये हमारे करंट ईयर के लिए मैंने एडवांस पेमेंट कर दी। तो एडवांस पेमेंट की है तो कुछ तो बोझ कम ही हुआ होगा क्रेडिटर्स पर से, तो इसे हम लोग डेबिट साइड में शो करेंगे। 11000 के अमाउंट को लिखेंगे वो भी इसमें हम लोग टू ओपनिंग एडवांस के नाम से। फिर दिया है उसी के जस्ट बाजू में 19000 का 31 मार्च 2021 को। यानी इस बार हमने एडवांस पे किया है सप्लायर्स को 19000 का, लेकिन 31 मार्च 2021 को, तो 31 मार्च 2021 को पे किया है, मतलब अगले ही दिन 1 अप्रैल 2021 लग जाएगा। यानी वो तो नेक्स्ट ईयर के लिए हो गया, लेकिन हम लोग अमाउंट सिर्फ करंट ईयर के कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये 19000 को हम लोग क्रेडिट साइड में शो करेंगे। तो ये मैंने लिख दिया बाय क्लोजिंग एडवांस 19000 की अमाउंट। इसके बाद लिखा है क्वेश्चन में लास्ट में पेमेंट टू सप्लायर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर वाज 1,02,000, देयर वर नो कैश परचेज मेड। यानी पेमेंट्स हमने सप्लायर्स को जो पेमेंट की है 1,02,000 की पूरे साल में, यानी हमारे क्रेडिटर्स ओपनिंग और क्लोजिंग अलग से थे, प्लस हमने 1,02,000 की पेमेंट भी की है। पेमेंट किससे की होगी? ऑब्वियसली हमने क्रेडिटर्स को ही पेमेंट की होगी। इसके बाद इसमें एक चीज और लिखी है, देयर वर नो कैश परचेज मेड, यानी हमने कोई भी कैश परचेज नहीं की पूरे साल में, यानी डायरेक्ट पैसा दे के कोई सामान नहीं खरीदा। तो आइए इस 1,02,000 के अमाउंट को हम लोग क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में शो कर देते हैं, क्योंकि हमने पेमेंट की है तो कुछ भार तो कम ही हुआ होगा क्रेडिटर्स पे। तो ये देखिए मैंने लिख दिया टू बैंक करके 1,02,000 का अमाउंट। इसी साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सब टोटल करके निकालेंगे पहले टोटल क्रेडिटर्स हमारे कितने थे, ताकि हम लोग टोटल क्रेडिटर्स को हमारे रियल अकाउंट जो सगुना स्पोर्ट्स क्लब का अकाउंट था उसमें शो कर सकें। तो आइए सबसे पहले हम लोग टोटल करते हैं। तो ये देखिए दोनों साइड का टोटल करने के बाद मुझे पता चला मेरे डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है 1,20,200। तो मैंने इस 1,20,200 के अमाउंट को दोनों साइड शो कर दिया है। अब इस 1,20,200 के अमाउंट को इसे ऐड करूँगा तो मेरे टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल का क्रेडिटर्स मिल जाएगा। ये देखिए जब मैंने अपने 1,20,200 के अमाउंट को इस अमाउंट से सब्ट्रैक्ट किया, तो मुझे 91,400 का मेरा टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल जो मैंने क्रेडिटर्स से लिया था वो पता चल गया। यानी मेरे टोटल क्रेडिटर्स में 91,400 के। अब इस अमाउंट को मैं हमारे डेबिट साइड में शो कर दूंगा जो कि मेरा रियल अकाउंट है सगुना स्पोर्ट्स क्लब का। तो ये देखिए मैंने लिख दिया टू क्रेडिटर्स 91,400। अब आइए हम लोग इस अकाउंट का भी दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में जाने वाली कंज्यूमेबल आइटम की अमाउंट को निकाल लेते हैं।
तो ये देखिए दोनों साइड टोटल करने के बाद मुझे पता चला मैं डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था 97,600। तो मैंने इस 97,600 के अमाउंट को दोनों साइड शो किया और इस 97,600 को इस 4,800 सब्ट्रैक्ट किया और मुझे 92,800 की अमाउंट मिल गई जो हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी। तो आइए अब हम लोग बना लेते हैं हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट जो कि बनानी थी हमें 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 की। तो आइए इसे भी बना लेते हैं। दोस्तों ये मैंने बना लिया अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 की और बैलेंस शीट 31 मार्च 2021 की। सबसे पहले हम लोग हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में जो हमारे स्पोर्ट्स मटेरियल जो हमने कंज्यूम की है उस अमाउंट को लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने लिख दिया 2 स्पोर्ट्स मटेरियल 92,800। इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट एज द 31 मार्च 2020 के हिसाब से हम लोग बदलाव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 9,800 के अमाउंट को लिखेंगे, यानी वो जो 9,800 के अमाउंट के हमारे पास क्रेडिटर थे जो 31 मार्च 2020 के हमें दिए गए थे उसे हम लोग इसके लाइबिलिटी साइड में शो कर देंगे। ये मैंने शो कर दिया क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 9,800। इसे मैंने लाइबिलिटी साइड में शो क्यों किया क्योंकि क्रेडिटर्स हमारे हमेशा लाइबिलिटी साइड में ही आते हैं। इसके बाद अब हम लोग शो करेंगे यहाँ पे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 6,200, यानी हमारा जो उस साल का क्लोजिंग स्टॉक था 6,200 का वो हमारी एसेट थी और एसेट को एसेट साइड में हम लोग शो कर देंगे 6,200। इसके बाद हम लोग उस साल के एंड में जो हमने एडवांस पे किया था सप्लायर्स को 11,000 का उस अमाउंट को यहाँ साइड शो कर देंगे एसेट में, क्योंकि एसेट हम ये हमारी एसेट इसलिए होगी क्योंकि हमने एडवांस पे कर दिया है तो यानी अब हम लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने लिख दिया एडवांस टू सप्लायर्स 11,000। इसके बाद हम लोग बदलाव करेंगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 जो हमने पिछले भी किया था सेम वही हमें इसमें भी करना है, बस इसमें अमाउंट चेंज होगी और हमारा ईयर चेंज हो जाएगा। तो इस साल हम लोग क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल देखेंगे 7,200 के जो कि हमारे 31 मार्च 2021 के थे। ये मैं लिखता है क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 7,200। इसके बाद हम लोग लिखेंगे हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था 4,800 का उसे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल के नाम से शो कर देंगे। अब इसके बाद हम लोग हमारे इस करंट ईयर के एडवांस जो हमने पे किया था अगले साल के लिए उसे शो कर देंगे क्योंकि उसे हमने लास्ट में पे किया था। तो ये मैं लिख दिया एडवांस टू सप्लायर्स 19,000। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 32 खत्म हुआ। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमसे कह रहा है हाउ आर द फॉलोइंग डील्ड विथ व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यानी नीचे दी गई इन्फॉर्मेशन किस तरह डील की जाएगी जब हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 के लिए। तो हमें एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दी गई है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, इनके बेसिस पे हमें बनाना होगा वही जो हम हर साल बना रहे हैं यानी हमारा कंज्यूमेबल आइटम हमें निकालना होगा। तो आइए इसे भी बना के खाते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने बना लिया मेरा फॉर्मेट। सबसे पहले मैंने लिखा है नेम ऑफ क्लब क्योंकि नेम ऑफ क्लब मुझे दिया नहीं था तो मैंने एक एग्जेम्पशन में लिखा है एक्स वाई जेड मेडिसिन क्लब। उसके बाद मैंने लिखा फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021। फिर मैंने लिखा डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट। फिर मैंने एक क्रेडिट्स का अकाउंट बना लिया है क्योंकि मुझे मेरे टोटल क्रेडिट्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में बाय पेमेंट फॉर मेडिसिन, यानी मेडिसिन के लिए हमने पेमेंट की है 150,000 की। 150,000 की पेमेंट हमने किसे की होगी? ऑब्वियसली बात हमने क्रेडिटर्स को ही हमारी 150,000 की पेमेंट की होगी। पेमेंट की है तो कुछ भार तो कम हुआ होगा हमारा, तो इसे हम लोग क्रेडिटर्स के डेबिट साइड में शो कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये मैं लिख दिया टू बैंक अकाउंट 1,50,000। इसके बाद हमें क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है एज एट 1 अप्रैल 2020 को दिया है स्टॉक ऑफ मेडिसिन एज ए 1 अप्रैल 2020 50,000, यानी 50,000 का हमारा ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक हमारे लिए एसेट होता है और एसेट हमेशा डेबिट साइड में आता है, तो इसे हम लोग डेबिट साइड में शो कर देंगे। ये मैंने लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। उसी के जस्ट बगल में लिखा है एज एट 31 मार्च 2021 को 75,000, यानी 75,000 का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्रेडिट साइड में आता है, तो इसे हम लोग क्रेडिट साइड में शो कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें लाइन में दिया हुआ क्वेश्चन के क्रेडिट फॉर मेडिसिन एज एट 1 अप्रैल 2020 इज 40,000, यानी 40,000 के हमारे ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं और ओपनिंग क्रेडिटर्स हमेशा क्रेडिट साइड में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एज एट 31 मार्च 2021 इज 60,000, यानी 60,000 के हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं और क्लोजिंग क्रेडिटर्स को हम लोग लिखते हैं हमेशा डेबिट साइड में। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी सारी ट्रांजेक्शन खत्म हुई है। अब हम लोग पहले क्रेडिटर अकाउंट के दोनों साइड का टोटल करेंगे ताकि हमें हमारे टोटल क्रेडिटर्स मिल सकें जिसे हम लोग एक्स वाई जेड मेडिसिन क्लब जो हमने अकाउंट रियल वाला बनाया है उसमें शो कर सके टू क्रेडिटर्स के नाम से। तो आइए टोटल करते हैं। तो ये देखिए दोनों साइड का टोटल करने के बाद मुझे पता चला मेरे डेबिट साइड का टोटल 2,10,000 ज़्यादा आ रहा है, तो मैंने 2,10,000 के अमाउंट को दोनों साइड शो कर दिया। अब इस 2,10,000 के अमाउंट जब मैं इस 40,000 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे बाई मेडिसिन मेरा जो टोटल मेडिसिन परचेज था पूरे साल का वो मिल जाएगा, यानी हमारे टोटल क्रेडिट्स मुझे मिल जाएंगे। तो इसे सेपरेट करने के बाद आंसर आता है 1,70,000 का। तो ये मैं लिख दिया 1,70,000। अब इस 1,70,000 को मैं यहाँ पे डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दूंगा। देखिए मैंने उस 1,70,000 के अमाउंट को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया और भी टू क्रेडिटर्स के नाम से टू क्रेडिटर्स 1,70,000। अब हम लोग हमारे रियल अकाउंट के भी दोनों साइड टोटल कर लेते हैं और फिर इसके बाद माइनस करते रहेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड के टोटल करने के बाद मुझे पता चला मेरे डेबिट साइड टोटल 2,20,000 ज़्यादा आ रहा है, तो मैंने इस 2,20,000 के अमाउंट को दोनों साइड शो कर दिया। अब इस 2,20,000 के अमाउंट को जब मैं 75,000 के अमाउंट सेपरेट करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 1,45,000 के अमाउंट, और यही अमाउंट मेरे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी।
तो ये देखिए, ये मैंने लिख दिया 1,45,000। अब इस 1,45,000 का मैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में भेज दूंगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में डेबिट साइड में मेरे टू बेडसेंस के नाम से 1,45,000 के अमाउंट को शो कर दिया, जो कि मेरी कंज्यूम्ड आइटम थी। इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021 का बनाएंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे करंट ईयर के क्रेडिटर्स। तो करंट ईयर के क्रेडिटर्स थे हमारे 60,000 के, तो उसे हम लोग हमारे लाइबिलिटी साइड में शो कर देते हैं। लाइबिलिटी में इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे क्रेडिटर्स अभी भी हैं, यानी हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी है कि उन्हें उनका पैसा देना है। तो ये मैंने लिख दिया टू क्रेडिटर्स के नाम से क्लोजिंग क्रेडिटर्स थे हमारे 60,000। इसके बाद हम लोग शो करेंगे इस साल का क्लोजिंग स्टॉक कितना था। तो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक था हमारा 75,000 का, तो उसे हम लोग एसेट साइड में शो करेंगे। एसेट में इसलिए क्योंकि वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था और स्टॉक हमेशा हमारे लिए एसेट ही होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिख दिया स्टॉक ऑफ मेडिसिन के नाम से 75,000 का अमाउंट। और इसी के साथ फ्रेंड्स ये वीडियो खत्म हुई। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्माइल।